वहीं तेज प्रताप के आरोपों पर तेजस्वी की सफाई अब आ गई है। तेजस्वी ने तेज प्रताप के आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू जी का व्यक्तित्व इससे मैच नहीं खाता है। लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लालू जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया था। ये बयान जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आया है। और जिस तरीके से तेज प्रताप ने यह कहा कि लालू प्रसाद यादव को बंधक बना लिया गया है, जिस पर तेजस्वी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो व्यक्तित्व है वो तेज प्रताप यादव के बयान से मैच नहीं खाता है। लालू जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया, साथ ही दो प्रधानमंत्रियों को उनकी भूमिका में काफी अहम योगदान लालू जी का रहा है। लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, दो दो प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया, तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता। हम तो साफ तौर पे कह चुके हैं कि लालू जी का व्यक्तित्व इससे मैच ही नहीं करता, उन्होंने तो आडवाणी जी को गिरफ्तार कर रखा है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बयान पर जेडीयू नेता ने चुटकी ली है। तेज प्रताप यादव के बयान पर नीरज कुमार ने कहा कि अगर लालू यादव को किसी ने बंधक बना रखा है तो इसमें कार्रवाई के लिए भी बिहार में कानून है। अगर तेज प्रताप यादव आवेदन देते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में वरिष्ठ नागरिक माता पिता अधिनियम 2007 कानून बनाया गया है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक को परिवार के लोगों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। तेज प्रताप यादव लालू की सुरक्षा के लिए इस कानून का सहारा ले सकते हैं। इधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आरजेडी अब औरंगजेब की पार्टी बन गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार को समाप्त कर आरजेडी का मालिक बनना चाहते हैं और आने वाले वक्त में दूसरा कोई नहीं, बल्कि तेजस्वी के शादी के बाद उनका जो पुत्र जन्म लेगा वही आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। जो मुगल कालीन समय में जो हम सुनते थे कि भाइयों की लड़ाई होना और भाइयों के बीच सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार से हो रहा है, जिसमें एक भाई दूसरे सभी भाइयों को समाप्त करने के बाद ही सत्ता प्राप्त कर सकता था, चाहे वह औरंगजेब का उदाहरण ले लें, चाहे वह तुर्की के सुल्तानों का उदाहरण ले लें, वही चीज़ राष्ट्रीय जनता दल में आज देखने को मिल रही है। एक भाई सभी अपने परिवार को समाप्त करने के पश्चात ही राष्ट्रीय जनता दल का मालिक बनेगा। बना कर रखा है राजनैतिक बंधक, शारीरिक बंधक, और विपक्ष के नेता संपत्ति के वारिस भी हैं, अपराध के भी वारिस हैं, मुकदमा के वारिस हैं, तो स्वाभाविक है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब बिहार में सक्षम कानून बना हुआ है, माननीय नीतीश कुमार जी बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो वरिष्ठ नागरिक एवं माता पिता भरण पोषण अधिनियम 2007 जिसके तहत अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ आवेदन दे सकते हैं, जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, भरण पोषण, गुजारा भत्ता, इस सब का तयशुदा प्रावधान है। तो हमारी उम्मीद है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो कानून वैसे नागरिक के लिए है जो समाज में बुजुर्ग हैं, जिनका सम्मान आवश्यक है, और कोई किसी को आहत कर रहा हो तो निश्चित रूप से नागरिक का कर्तव्य होता है कि कानून का इस्तेमाल करना चाहिए।